मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेमीकॉम्ड का जो प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं और सेमीकॉम्ड प्रोसेस का उसमें क्या अपन को बेनिफिट है, क्यों इसको चलाते हैं, क्या उस पर अपन को फ़ायदा है और ये सारी चीज़ जानने के लिए सबसे पहले देखिए सेमीकॉम्ड कितना प्रकार के है। सेमीकॉम्ड दो प्रकार के है। एक तो पहला प्रकार जो है ड्रॉफम स्टेज में कुंभर और कार्डेड का डिब्बा मर्ज करते हैं। जैसे RSP में समझ लो 8 डिब्बा लग रहा है तो अपन 4 कार्डेड 4 कुंभर का डिब्बा लगा सकते हैं। कार्डेड जो लगेगा ब्रेकर के कैन लगेगा, कुंभर डिब्बा जो डायरेक्ट लगेगा। 4-4 लगाओ या 5-3 लगाओ या 6-2 लगाओ या 7-1 लगाओ, कुछ भी है, आपकी रिक्वायरमेंट कितना में फुलफिल हो रहा है। समझ लो आप एक कोम्ड का स्लाइबर डाल के आपको CSP बराबर मिल जाता है, IPL लेवल में आ जाता है, तब आप 1 कोम्ड वाला चला सकते हो। अगर नहीं हुआ तो 2 कोम्ड, नहीं हुआ तो 3 कोम्ड, आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और दूसरा चीज़, पार्टी कितना पैसा देने के लिए तैयार है, आपकी पड़ता है नहीं पड़ रहा है, वो भी उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। दूसरा चीज़ है, एक प्रोसेस ऐसा भी है उसमें कुंभर का नायल जो होता है ये 9-14% तक सेट करते हैं, बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं कुंभर का नायल। और वो जो मटेरियल निकलता है इसको अपन सेमीकॉम्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुंभर का नायल 9-14% तक सेट कर देना, जिसको रेट के हिसाब से अपना सेट करके आप चला सकते हो। वो भी एक प्रकार का सेमीकॉम्ड ही माना जाता है, क्योंकि कुंभर का नायल 18-20% 22-23% भी निकलता है, अपन उतना नहीं निकालने, आधा से भी कम निकालने, तब जाके वो सेमीकॉम्ड बोला जाता है। तो दो प्रकार की सेमीकॉम्ड का प्रोसेस होता है। और सबसे बढ़िया देखिए सेमीकॉम्ड प्रोसेस के लिए अपन को क्या क्या बेनिफिट है, क्या है ऑब्जेक्टिव्स, क्या है क्यों आप बढ़ाते हैं। पर देखो, ऑब्जेक्ट फॉर ए बेटर फैब्रिक अपीयरेंस, कुंभर के स्लाइबर अपन मर्ज किए तो फैब्रिक जब बनेगा उसमें IPA कम रहेगा और अपीयरेंस बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे आप सोच लो कार्डेड का अपीयरेंस बिल्कुल ख़राब रहता है, कुंभर का और बढ़िया रहता है, तो उसका बीच वाला पोजीशन आ जाएगा अपना, मतलब ना ख़राब है ना बहुत ही अच्छा है, तो अपीयरेंस जो है इम्प्रूव वाला आपको मिलेगा। टू गेट ए हायर CSP वैल्यू, आपको मालूम है कुंभर में अपन चलाए तो शर्ट फाइबर निकाल दिए तो उसमें CSP अपना बढ़ जाएगा। समझ लो कार्डेड में आपकी 2250 आ रहे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपने 1 कुंभर आपने डाला तो ये कम से कम 2300 तक आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 कुंभर डाला तो ये आपको 2400 तक आ जाएगा, 3 कुंभर डाला आपको 2450 से 2500 तक आ जाएगा। तो CSP इम्प्रूव करने का एक बढ़िया तरीका है, कुंभर का स्लाइबर आप डाल दो, थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूव हो जाएगा। और आज की मंदी के टाइम में CSP अगर कम रहता है, धागा लेता नहीं पार्टी, तो इसीलिए थोड़ा इम्प्रूव करके मिलेगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो, टू गेट ए लो IPA अपयान, IPA अपयान कैसे होगा, जैसे कि आपको मालूम है कार्डेड स्लाइबर में कार्डिंग में जो लेप्स रहता है ये रहता है समझ लो 100 से 110, एवरेज काउंट का बता रहा हूँ, एवरेज कटर का, बढ़िया कटर है तो 70-80 भी आता है। तो ये जो कुंभर स्लाइबर रहेगा इसमें रहेगा 25-30 लेप्स पर ग्राम, ये हो गया कार्डेड का। जब हम ये वाला इस पर मर्ज करेंगे, इसमें देखो कि इतना ज़्यादा है इतना कम है, तो ये दोनों मर्ज करके चलाएंगे, ओवरऑल लेप्स वगैरह कम हो जाएगा, IPA कम हो जाएगा, और कुंभर स्लाइबर में लेंथ भी अच्छा रहता है, उसमें यूनिफॉर्मिलिटी धागा का अच्छा आ जाएगा, कुल मिला के थी नेप्स सब कम हो जाएगा और IPA लेवल आपकी स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। टू अवॉइड मार्केट कंप्लेंट इन कार्डेड यार्ड, ये कब होता है, जब कार्डेड माल में जैसे अपना समझ लो CSP अचीव नहीं हो रहा है, IPA बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको अपन एडजस्टमेंट करने के लिए ये सिस्टम अपनाते हैं। और इसमें
अपना मटेरियल अपना कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है और मटेरियल भी बिक जाता है आराम से। तो ये मार्केट कंप्लेंट अगर कार्डर में ज़्यादा है, ये वाला सिस्टम आप अपना सकते हो। लो ग्रेड कटन में भी यूज, इसमें देखिए लो ग्रेड कटन कैसे यूज होता है, मतलब समझ लो अभी कटन का रेट चल रहा है 90 से 95,000 पर कंडी, मतलब मैं एवरेज कटन की बात कर रहा हूँ, बढ़िया कटन तो 1,00,000 के ऊपर आएगा, इतना पर कैंडी, ठीक है। पर कैंडी अगर 90 से 95 तक चल रहा है तो आप क्या, मैं बोल रहा हूँ लो ग्रेड कटन में भी कंज्यूम्ड। लो ग्रेड कटन कैसे, समझ लो 90 से 95 वाला आपने 70% लिया, ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल कमज़ोर कटन 40 से 45 हज़ार जो मिलता है पर कैंडी, इसको 30% ले लेना, तो 70 + 30 कितना हो गया, 100% हो गया। तो इसमें क्या होता है, ओवरऑल मिक्सिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगा। आपके गोडाउन में अगर ऐसे ही ख़राब कटन पड़ा है उसका कंज्यूम करके खपत करने का यही एक तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। आप इसको 70-30 करो, 75-25 करो, जो आपकी कस्टिंग का बैठेगा उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हो, या 60-40 करो, जैसे भी आपको जमेगा उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो इस तरह का आप खराब कटन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो मिक्सिंग कॉस्ट ऑल्सो रिड्यूस्ड, यही बात बता आपको, मिक्सिंग कॉस्ट में आपके इस तरह मर्ज कर लो कि दो वेराइटी का कटन तो कम हो जाएगा। आज वर्किंग विल बी इम्प्रूव्ड गेट गुड प्रोडक्टिविटी, जैसे आप कार्डेड में स्पीड नहीं ले पाते हो, फॉर एग्जांपल आपने 30 कार्डेड में, अपने एग्जांपल बोल रहा हूँ 17,000 का स्पीड ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सेमी कम चलाओगे आप आराम से 18,000 तक जा सकते हो, तो आपको 1,000 RPM का प्रोडक्टिविटी का गेन मिलेगा, और सेमी कम में आप टिपे भी कम चला सकते हो रिम फ्रेम में, कुल मिला के आपको फायदा ही फायदा रहेगा। वर्कर्स रिटेंशन ऑल्सो मोर, अगर वर्कर जो वर्किंग बढ़िया रहेगा, ब्रेकेज लेवल कंट्रोल के अंदर रहेगा, तो वर्कर आपके इधर उधर भागेंगे नहीं, आपके मिल में ही काम करते रहेंगे, एक प्लस पॉइंट है। और हाई आरडी लो आरडी वैल्यू में भी मिक्स्ड, वही चीज़ है जो आपको 90-95 हज़ार 40-45 हज़ार का बोल रहा था, ये आप मान के चलो आज के डेट में, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो जैसे आप 60 RD का कटन खरीदा, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 60 RD का कटन जो है कॉस्ट कितना आएगा, एग्जांपल 55,000 आया पर कैंडी, ठीक है। आप इसको अगर 61 RD कटोगे ना तो 1,250 रुपया करीब बढ़ जाएगा, तो 55,000 प्लस 1,200, मतलब 56,200 में 1 RD अगर बढ़ाओगी कटन लोगी तो 1,200 रुपया 1,200-1,250 तक बढ़ जाता है। तो इसी हिसाब से अगर 75 RD लोगी तो इसीलिए तो 90-95 हज़ार तक चला जाता है। ये जो लिखा मैंने हाई आरडी लो आरडी वैल्यू में भी मिक्स्ड, में भी मिक्स्ड, तो ये कॉस्टिंग कम करने के लिए और अपना पुराना माल खपत करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। और ये जो सेमी कॉम्ड है इसमें अपन को बहुत फ़ायदा है, इसलिए अपन चलाते हैं। और उसमें क्वालिटी कैसे सेट करते हैं वो अभी बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अपन सेमी कॉम्ड के बारे में बात कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था, अभी देखो हाउ टू सेट क्वालिटी, क्वालिटी कैसे सेमी कॉम्ड में आप सेट करोगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, आइडेंटिफाई द लो नेप्स और हाई नेप्स कार्ड्स, समझ लो आपने 20,000 स्पिंडल का प्लांट चला रहे हो और आपके पास, समझ लो मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आपके पास 18 कार्ड है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 18 कार्ड है, ठीक है। इसमें देखो हमेशा तो अपन नहीं बोल सकते सारे कार्ड का वर्क पॉइंट सही है, सब बढ़िया वर्किंग है, ऐसे नहीं बोल सकते। कोई कोई कार्ड में नेप्स ज़्यादा आता है, किसी का सिलेंडर दब गया, किसका डफर दब गया, किसका प्लाट का ड्यू हो गया,
ऐसे केस में क्या होता है, मतलब 18 कार्ड पे समझ लो, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 4 कार्ड में नेब सिलेबल ज़्यादा है, इसको कैसे मालूम पड़ेगा, अब ऑफिस कराओगे तब मालूम पड़ेगा। और वो 4 कार्ड को 3-4 दिन वॉच रखिए, अगर कंटिन्यू वही 4 कार्ड आ रहा है, ख़राब आ रहा है नेब सिलेबल, तो इसको सेग्रीगेट कर दीजिए या डोरी बांध दीजिए या अलग कलर का क्याल लगा दीजिए, इसको पूरा पूरा अलग सेग्रीगेट कर दीजिए। वो जो 18 कार्ड से 4 कार्ड है, तो आपकी 14 कार्ड जो है कार्डेड की सेक्शन में दीजिए, और 4 कार्ड जो होता है कोम्बिंग में दीजिए। और कोम्बिंग सेक्शन मतलब ब्रेकर बनाना, इनिनर बनाना, कोम्बर में डालना। और ये ध्यान रखना, ये जो 14 कार्ड के माल 4 कार्ड के साथ मिल के इनमिक्स कोम्बर में जा सकता है, लेकिन ये 4 कार्ड का जो माल है उधर कार्डेड में नहीं जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये जो 4 कार्ड है जिसमें हाई नेब्स है, वो कार्डेड सेक्शन में नहीं जाना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंट है। और वो ध्यान रखोगे क्या होगा, जो हाई नेब्स वाला कार्ड का अगर कोम्बिंग का थ्रू पास करेंगे उसमें नेब्स लेवल कम हो जाएगा, और कार्डेड में जाएंगे उसमें कोई चांस ही नहीं है नेब्स कम करने का। और हाई नेब कार्ड स्लाइवर डाइवर्ट टू कोम्बिंग सेक्शन, वही बताया आपको। उसके बाद चेक कोम्बर नायल सेट अप टू 20-22% लेवल, कोम्बर नायल का जो लेवल है 20-22% रखना बिल्कुल। इसमें क्या अपन क्या कमज़ोर कटन भी डालें अच्छा कटन भी डालें, तो अपन 20-22% नॉर्मल मांगते हैं वही रखना। और जैसे कि अपन 3 स्लाइबर 2 स्लाइबर, जैसे अपन कुंभर का स्लाइबर 8 करते, तो उसमें कोशिश करिए फिनिशर में ब्रेक ड्राफ्ट मिनिमम रहे, ये हो गया मिनिमम ब्रेक ड्राफ्ट, ठीक है, इसको मिनिमम ब्रेक ड्राफ्ट रखना है। और सिंपलेस्ट सेट हाफली 35-40, ये 35-40 तक आपकी हाफली स्ट्रेंथ रखना, मतलब टीपीआई उसी हिसाब से एडजस्ट करना, 35-40 तक, उससे ऊपर नहीं लेना। सिंपलेस्ट स्पेसर डाउन 1 लेवल, स्पेसर मतलब 1 लेवल कम करना है, मतलब आपकी समझ लो 6.5 mm का चल रहा है तो 5 mm का कर दीजिए या 5.5 कर दीजिए, जो भी है इसको एक स्पेसर लेवल डाउन करना है आपको, ठीक है। और रिड्यूस टीएम ऑफ रिंग फ्रेम 1 और 2 स्टेप, आप जैसे कुंभर स्लाइबर 8 करते हो, कुंभर मतलब रिंग फ्रेम में जो टीएम दोगे 1-2 स्टेप कम दोगे, आज पर योर सीएसपी का अचीवमेंट, सीएसपी अच्छा आता है 2 स्टेप कम करो, थोड़ा कमज़ोर रहा तो 1 स्टेप कम करना, लेकिन अगर ये टीपीआई कम करोगे ना तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मिल का प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, 100% कार्डेड में 30 kW में 2200 का CSP आ रहा था और 2000 का IPI आता था, ठीक है। अब पर एक कुंभर आड़ किए तो CSP थोड़ा सा बढ़ा और IPI थोड़ा सा घटा, ठीक है। फिर 2 कुंभ किए, CSP और थोड़ा बढ़ा, IPI 500 गिर गया, मतलब 1200 तो का आ गया। और 3 कुंभ डाले तो 2450 आया CSP और 700 IPI आ गया। तो ये होता है क्वालिटी लेवल, आपको पार्टी कितना पैसा देता है और कितना CSP का कितना IPI का माल दोगी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या बढ़ाना है, 100% बढ़ाना है या 1 कोम्ड वाला या 2 कोम्ड वाला या 3 कोम्ड, ठीक है, उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे RSP का स्लाइबर चाहे 6 है 8 है, उसी हिसाब से परसेंटेज देख लेना, 1 कोम डालेंगे कितना परसेंट आएगा, 2 कोम कितना परसेंट आएगा, तो इस हिसाब से आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। और सेमी कोम्ड का मटेरियल कैसे सेट करना है, मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और मेरा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।